Hey guys, welcome back to my channel and in today's video I'm going to share a recipe for pav bhaji and I have started this series which calls cook with Kriti and let's see the recipe now. So iske liye hame chahiye kuch sabziyan, yahan pe gajar, gobi, lauki aur char tamatar hain. Aapko char hi pyaz chahiye aur aap 3 se 4 aloo bhi le sakte ho iske liye. और हम सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धो के चॉप कर लेंगे. मैंने यहाँ पे ब्रिंजल भी डाली है. इसके बाद हम सारी वेजिटेबल्स को एक कुकर में शिफ्ट कर देंगे, कुकर में डाल देंगे. और कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसमें, और थोड़ा आप नमक भी डाल सकते हो, तो नमक डाल के सारी वेजिटेबल्स को नमक भी डाल दिया मैंने. और अब इसको हम लिड लगा देंगे और हम यहाँ पे विसल्स लगाएंगे, 2 से 3 विसल्स. और अब हम मीनवाइल हम यहाँ पे अपने टोमेटोज़ और अनियंस को चॉप्ड कर लेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे अनियन को चॉप कर लिया है, अब मैं यहाँ पे टोमेटोज़ को भी चॉप कर लूँगी. सो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अभी टोमेटोज को अच्छी तरह ब्लेंडर की हेल्प से ग्राइंड कर रही हूँ और अनियंस भी हमारे चॉप हो गए हैं. आप आलू को भी मिक्स कर सकते हो वेजिस के साथ बॉईल करने के लिए, बट यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोस पड़े थे सुबह के, सो मैं यहाँ पे उनको नॉर्मली कट करके बाद में इनको भी ब्लेंड कर लूँगी साथ में वेजिटेबल्स के, जब हमने वेजिटेबल्स को ब्लेंड करना है. तो अभी हम पैन को हीट करेंगे और इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर देते हैं. सो यहाँ पे मैंने ये पैन गरम होने के बाद अनियंस को डाल दिया है. अब हम अनियंस को अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे, इनको अच्छी तरह स्टर करके हम इन्हें ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह. और मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्मिथ एंड जॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट. सो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग हेयर दिस पेस्ट. एंड अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्राउन हो गए हमारे अनियंस, तो यहाँ पे मैं अब अपने टोमेटोज़ भी डाल दूँगी. और अब हम वेजिटेबल्स भी हो गई हैं तो इन्हें अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर. सो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हो गया है ब्लेंड अच्छी तरह. और मैं आलू डालना भूल गई थी, तो मैं अब दोबारा ये ब्लेंड करूँगी आलू डाल के. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यूमिन सीड्स डाल रहे हैं, ज़ीरा, और साथ में हम डाल रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा पाव भाजी मसाला है. एंड आई एम यूजिंग हेयर इट फ्रॉम MDH. और यहाँ पे हम 2 to 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं. एंड टेस्ट टू सॉल्ट. थोड़ा रेड चिली पाउडर. और अब हम यहाँ पे सारा मिक्सचर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे. मैंने वो मटेरियल डाल दिया है, तो अभी आप देख सकते हो उसका कलर कितना ब्यूटीफुली आया है. सो ये हमारे पाव हैं, ये आपको किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएंगे. सो पैकेट को भी पहले वॉश ज़रूर कर लें बाहर से. अब हम पाव को बीच से सेपरेट कर देंगे, कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरह. आप चाहो तो नॉर्मल ऐसे भी रहने दे सकते हो, बट मैं ऐसे कट कर लेती हूँ. और हमें यहाँ पे चाहिए बटर स्लाइसेस. अब यहाँ पैन में हम बटर के साथ ये पाव गर्म होने रख देंगे. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करेंगे अपने पाव्स को, और आप देख सकते हो कि ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं. और यहाँ पे हम थोड़ी सी प्लेटिंग करेंगे, नॉट टू मच. एंड हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई है. अब बस हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं भाजी को.
मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कुक विद कृति सीरीज़ में, सो आप वो भी देख सकते हो। मैंने देसी इंडियन पास्ता भी बनाया है, डालगोनो कॉफ़ी बनाई है एंड बिस्किट केक बनाया है, और अभी ये पाव भाजी। एंड आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ पाव भाजी, लाइक आई लव ईटिंग पाव भाजी। सो या, क्वारंटीन इज़ गोइंग ऑन, सो वाई नॉट मेड एट होम। सो या, दिस इज़ माई पाव भाजी एंड it was delicious too, yeah. kaisa hai bro tum?